देखिए तमरीम नंबर एक है, लिमा कानन नही उ फीमा याति लिल इरशाद व तमन्नी व तहदीद व तहकीर अल तरतीब। आने वाली मिसालों में बयान करें कि इसमें तरतीबवार नही इरशाद तमन्नी तहदीद और तहकीर के लिए क्यों है। आने वाली मिसालों में बयान करें कि यहाँ नहीं तमन्नी इरशाद तहदीद और हकारत वगैरह के लिए क्यों है। पहली मिसाल जो है, ला यखदअन्नका मिन अदुविन दमउहु वरहम शबाबका मिन अदुविन तुरहमु। ला यखदअन्नका मिन अदुविन, तुम्हें धोखा ना दे दुश्मनों के आंसू, धोखा ना दे तुम्हें दुश्मनों के आंसू, धोखा ना दें और अपनी, अब दुश्मन की तरफ से अपनी जवानी पर रहम करो, जिस दुश्मन पर तुम रहम करते हो अपनी जवानी पर रहम करो, ऐसे दुश्मन की इस तरफ से तो रहमो जिस पर तुम रहम करते हो। तो तुम्हें दुश्मनों की, दुश्मन के आंसू धोखे में ना डालें कि आंसू जो देख करके आप रहम करने लगो, तो दुश्मन के आंसू तुम्हें धोखे में ना डालें और दुश्मन अपनी जवानी पर, दुश्मन की तरफ से अपनी जवानी पर रहम करो, तो रहमू जिस पर तुम रहम करते हो। यहाँ जो है वो शेर है, ला यखदअन्ना का, ये फेले नहीं है और ये इसके अंदर जो है पहले मर्तबा इरशाद है। क्या ये? हाँ इरशाद है, यहाँ पर वाज़ो नसीहत की जा रही है और हम अपने, हम असर बराबर वाले से कहा जा रहा है, सही है नहीं? तो बराबर वाले से जब कहे बतौर नसीहत तो वो वाज़ो नसीहत इरशाद होता है। ला तुम तेरी अय्यतुह समा, ए आसमान तू ना बरस। यहाँ ये आसमान एक गैर ज़वील उकूल से जो है ख़िताब किया जा रहा है, जब इंसान गैर ज़वील उकूल से ख़िताब करे तो वहाँ पर तमन्नी होता है। ला तुकले अन इनादिका तकूलु लिमन हुआ दूना का, तुम अपनी सरकशी को ख़त्म ना करो, तुम अपनी सरकशी को, दुश्मनी को ख़त्म ना करो, ये आप उससे कहें लेमन हुआ दूना का जो आपसे कम मर्तबा है, दर्जे के एतबार से कम है, ये आप उससे कहें तुम अपनी दुश्मनी ख़त्म ना करो। तो यहाँ पर क्या है? तहदीद है, डराना है, धमकाना है, मर्तबे से कम एतबार वाला है, तो उसे यहाँ हुक्म नहीं दिया जा रहा है बल्कि उसे बताया जा रहा है मत करो अपनी दुश्मनी ख़त्म। जिस तरह से ये कहे कोई अब आका अपने अपने ग़ुलाम से मेरे हुक्म को मत मान, हाँ लम तन तसिल अमरी, मेरे हुक्म की पैरवी मत करो, तो वहाँ क्या मतलब है? सच में ना कर पैरवी, मतलब ये देख लोगे क्या हुआ हाल, तहदीद हो गया। ला तुजहिद नफ्सका फीमा तईबा फीहिल किराम, अपने नफ्स को उन चीज़ों में मत थकाओ जिसमें शरीफ लोग थक चुके हैं, नफ्स को मत थकाओ उसमें जिसमें शरीफ लोग थक चुके हैं। तो बेकार में तुम जो है मशक्क़त कर रहे हो जोहद की, इबादत की और मुजाहिदे पर मुजाहिदे कर रहे हो, तुम्हारे बस में नहीं ये सब करना, शरीफ लोग इसमें जो हैं थक हार गए हैं, क्या मतलब है यहाँ पर? घटिया दिखाना, हकारत करना मकसूद है, तो ये नहीं, तहकीर मकसूद है यहाँ पर। नंबर दो है, बयन सीगा नहीं वल मुराद मीन कुल सीगतिन फीमा याती, नहीं के सीगों को बयान करें और आने वाली मिसालों में से हर सीगे की मुराद को बयान करें, हर सीगे में क्या मुराद है वो बयान करें। काला अबू तय्यब फी मदही सैफुद्दौला, अबू तय्यब ने सैफुद्दौला की तारीफ में कहा, ला तत्लुबन्ना करीमन बादा रूयती इन्नल किरामा बे असखाहुम यदन खुतिमून। ला तत्लुबन्ना, तू जो है सैफुद्दौला को देखने के बाद किसी को सखी को तलब मत कर, सैफुद्दौला को देखने के बाद किसी सखी आदमी को तलब मत कर, तलाश मत कर। इन्नल किरामा बे असखाहुम, बेशक सबसे ज़्यादा सखी करने व सखावत करने वालों के हाथ ख़त्म हो चुके हैं, सबसे किरामा बेअस्काम जो उनमें सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले हाथ के एतबार से क्या हो वो
ختم ہو گئے, تو اب صرف اس کے علاوہ کہیں اور تلاش مت کر کہ اس کو سخاوت, یعنی اس کو دیکھنے کے بعد کوئی اور سخی کو طلب مت کر کہ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہاتھ ختم ہو چکے ہیں. یہاں پر نہیں کا جو صیغہ ہے وہ لا تتلو بننا ہے, اور یہاں اس کے اندر جو ہے وہ نہ تئیس ہے, نہ امیدی دلانا مقصود ہے. کیوں طلب, صحیح ہے نہیں, نہ امیدی کرنا مقصود ہے کہ سامنے والے کو کہ بیکار میں تو دیکھ رہا ہے, کیونکہ یہ ایسا ہی سخی سخاوت والا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور کہیں تجھے نہیں مل سکتا. دوسرا جو ہے یہاں پر, لا تحسب المجد تمرن انت آکلو لن تبلغ المجد حتی تعلق الصبر. صبر معنی ایلوا, ایلوا جو ہوتا ہے بہت کڑوا ہوتا ہے, جس طرح سے شہد کو بھی کڑوا کر دیتا ہے. کہا گیا کہ مجد و شرافت کو تم ایسا کھجور مت سمجھو جس کو تم کھا لیتے ہو. مجد و شرافت بہت بڑی چیز ہے, ایسی کھجور مت سمجھو جس کو تم کھا جاتے ہو. لن تبلغ المجد, یہاں تم مجد و شرافت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم ایلوا چاٹ لو, کھا لو. ایلوا کھانا کتنا مشکل ہے, ایسی مجد و شرافت پہنچنا بھی بڑا مشکل ہے. یہاں کیا زجر و توبیخ کی جا رہی ہے, کیا کی جا رہی ہے, تمہارے بس کی زجر و ڈانٹ ڈپٹ. لا تحسب المجد, یہ افعلے نہیں ہے یہاں پر, اور یہاں زجر و توبیخ مقصود ہے. یہاں مجد و شرافت کو تم ایسی کھجور مت سمجھو جس کو تم کھا لیتے ہو بڑی آسانی سے, بلکہ مجد و شرافت تک تم یہاں تک کہ تم ایلوا کھا لو, اور ایلوا کھانا مشکل ہے تو مجد و شرافت بھی نہیں کر سکتے. وقالت تغرائی, تغرائی نے کہا, لا تتمحن الى المراتب قبل ان تتکامل الادوات والاسباب. مراتب تک, یعنی اسباب و آلات کی تکمیل سے پہلے, آلات و اسباب کی تکمیل سے پہلے مراتب کی خواہش نہ کرو. مراتب اور مقاصد, منزلوں کے حصول کی خواہش نہ کرو آلات و اسباب کی تکمیل سے پہلے. آلات و اسباب ہیں نہیں ابھی کچھ اس کے, اور خواہشیں کر رہے ہیں. لو کان العلم یدرک بالمنا ما کان فی البریت جاہل, اگر آرزو سے علم حاصل ہو جاتا تو جاہل کوئی نہیں رہتا. تو آلات و اسباب کی تکمیل سے پہلے مراتب کے حصول کی خواہش نہ کرو. یہاں پر بھی فعل نہیں جو ہے وہ لا تتمحنہ ہے, اور یہاں اس کے اندر جو ہے وہ ارشاد ہے. کیا ہے, واضح و نصیحت ہے. کیسی نصیحت کر رہا ہے کہ ابھی کچھ بھی ہے ہی نہیں تمہارے پاس, اس طرح کہ تم نے نہ ابھی کوئی کی ہے, آلات و اسباب بھی نہیں ہے, نہ اس کے جیسے مراتب کے حصول کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہو سکتی ہیں. تو اب مراتب کے حصول کے لیے اگر آپ بڑے عالم بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا علم مطالعہ بھی ہونا چاہیے, محنتیں بھی ہونا چاہیے, راتوں کو کثرت ہونا چاہیے. من طلب الولا سحر اللیالی ومن بقدر القدر تکتسب المعالی, تو محنتوں کی مقدار سے بلندیاں حاصل ہوتی ہیں. جس نے بلندیاں حاصل کی وہ رات و رات جاگا ہے, تو رات و رات جاگا ہے مطالعے میں, جاگا ہے جوال میں نہیں جاگا ہے. صحیح ہے نہیں, نہیں جوال کو ویسے جاگنے سے طلب بھی نہیں ہوتی ہے کہ کمبل کے اندر سے جو ہے وہ روشنیاں نکل رہی ہیں, نور نکل رہا ہے کمبل کے اندر سے, بہت بڑے پہنچے ہوئے بڑے ادھر. وقال الشریف الرضی, شریف الرضی نے کہا, لا تأمنن عدوا لانا جانبه خشونة السلح عقبى ذلك اللين. کیا ہے کہ ایسے دشمن سے تم مامون نہ ہو جس کا کنارہ, جس کا پہلو نرم ہو گیا ہے. ایسے دشمن سے تم مامون نہ ہو جس کا کنارہ, جس کا پہلو نرم ہو گیا, کیونکہ اس نرمی کے انجام, اس نرمی کا انجام سانپ کی سختی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے اس نرمی کا انجام, خشونا معنی سختی, سلی معنی کیا ہوتا ہے سانپ. تو اس جس میں کوئی بھی جو ہے فائدہ نہیں ہوتا ہے, اس نرمی کا انجام سانپ کی سختی ہوتی ہے. تو نرمی کرتے رہو پھر آگے میں ڈس لے گا اچھی طریقے سے. تو اس دشمن سے معمون نہ ہو جس کا کنارہ, جس کا پہلو نرم ہو گیا ہو, کیونکہ اس نرمی کی, اس کا پہلو نرم ہونے کا مطلب
वो थोड़ा सा झुक गया है, माइल हो गया, अब तुमसे नरमी करने लगा, तो उस नरमी का अंजाम क्या है? सांप की सख्ती है। तो यहाँ पर क्या है? महले शाह ला तामन्ना है, फेल नहीं है, बानू ने सकीला, और यहाँ इसके अंदर वादो नसीहत है, इरशाद है, नरम हो गया है, सांप की सख्ती है। हाँ, जो सांप की जब सख्ती करता है ये नहीं, तो यहाँ पर मुराद जो है वो सांप का जहर, जिस तरह दुश्मन की शरंगेजी, हाँ, दुश्मन की अदावत को सांप की सख्ती से तशबीह दी गई कह सकते हैं। अबू तय्यब ने कहा, फला तनल कल लयाली इन ऐदिया इदा जरबना कसरन नबा बिल गरबी। गर्ब बोलते हैं एक छोटे पौधों को, और नबा बोलते हैं बड़े मजबूत दरख्तों को। तुम हवादिसे ज़माना तुम्हें ना लगें, हवादिसे ज़माना तुम्हें ना लगें, इन ऐदिया बेशक हवादिसे ज़माना इज़ा ज़रबना जब हमला करते हैं तो कसरन नबा बिल गर्बी, तो छोटे से पौधों के जरिए भी मजबूत दरख्त उखड़ टूट जाते हैं। छोटे पौधे से भी क्या होते हैं, मुराद क्या है यहाँ पर? कमज़ोर, नब माने शजरुन सुल्ब, मजबूत दरख्त, और नब से माने कमज़ोर पौधा। तो हवादिसे ज़माना, लयाली से मरा हवादिसे ज़माना बोलते हैं, हवादिसे ज़माना तुम्हें ना लगे, तुम्हें ना आए, बेशक हवादिसे ज़माना जब उनके जब वो हमला करते हैं तो वो क्या होते हैं, कसरना, तो वो मजबूत दरख्त को भी पौधों के ज़रिए तोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या है, तनल का फेले नहीं है, और इसके अंदर मैं क्या है, ये दुआ है, सही है, दुआ है, दुआ तुम्हें हवादिसे ज़माना ना लगे। फिर आगे है, ला तुहलियन्नका अन मुआदिका लज्जतन तफनी व तूरिसु दाइमल हसरात। ला तुहलियन्नका, तुम्हें अपने अंजाम से ऐसी लज्जत गाफिल ना कर दे, तुम्हें अपने अंजाम से ऐसी लज्जत गाफिल ना कर दे जो लज्जत फना होने वाली हो, व तूरिसु दाइमल हसरात, और फिर दायमी हसरत अफसोस का सबब बन जाए। तो तुम्हें अपने अंजाम से ऐसी लज्जत गाफिल ना करे, तुम्हें अपने अंजाम से ऐसी लज्जत गाफिल ना करे जो लज्जत फना हो जाती है और वो दायमी हसरत का अफसोस का सबब बने, पैदा कर दे। यहाँ पर क्या है, इरशाद है, वाज़ो नसीहत। ला तुहलियन्ना का यहाँ फेले नहीं है, लामे ताकी बनू ताकी नूने सकीला है। आगे है, ला तहसबू मन कतल तहुम काना जा रमकिन फलैसा ताकुलु इल्लल मैतता अज़बुगु। ज़बुगु माने गिद्ध, गिद्ध जो होते थे परिंदा, पहले निकलते थे, पहले वो जानवर सड़ा हुआ मर्दा खाते थे, अब वो गिद्ध दिखते ही नहीं है। तो तुम जिन लोगों को तुमने कत्ल कर दिया उनको ये ना समझ दो कि काना जा रमक, इनकी ज़िंदगी की कोई रमक उनमें बाकी है, अभी कुछ हल्की हल्की सांस चल रही है, ऐसा कुछ मत समझो। कि जिनको तुमने कत्ल कर दिया उन्हें ना समझो काना जा रमक, कि ज़िंदगी की कोई रमक और सांस बाकी मत समझो। फलैसा ताकुलु इल्ल मैतता, क्योंकि मुर्दार तो गिद्ध ही खाते हैं, मुर्दार सिर्फ गिद्ध मुर्दार ही खाते हैं। क्या मतलब, मर गए हैं वो, मर गए वो, तो अब तुम तवज्जो मत दो उसकी तरफ, मर ही गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ला तहसबू, ये फेले नहीं है, और इसके अंदर क्या है, हकारत बयान करना है, तहकीर है। किनको, जिनको तुमने कत्ल कर दिया उन्हें रमक वाला ना समझो, वो तो ऐसे ही हो गए जैसे मर गए बिल्कुल, और उन्हें मुर्दार को सिर्फ गिद्ध खाते हैं। जब इसका मतलब ये कि अब तुम्हारा उनकी तरफ तवज्जो करना, हाँ, तो तहकीर मकसूद है। ला तहसबू, अबुल आला ने कहा, ला ततविया सिर अन्नी यौम नाइबतिन फइन ज़ालिका ज़म्बुन गैरु मुग़तफ़री। किसी मुसीबत के दिन तुम मुझसे राज़ो नियाज को ना छुपाओ, किसी मुसीबत के दिन तो मुझसे राजो नियाज राजों को ना छुपाओ, क्योंकि ये ऐसा गुना होगा जो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जालिका जम्बून, क्योंकि ये चीज़ ऐसा गुना है जो बख्शी
नहीं जाएगी। तुम किसी मुसीबत के दिन उससे राजों को ना छुपाओ, क्योंकि ऐसा गुनाह है जो बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या मकसद है? इल्तिमास है। क्या यहाँ? इल्तिमास, मत छुपाओ, अपने सामने बराबर वाले से पूछिए, मुसीबत के दिन तुम मुझसे राजो न्यास को ना छुपाओ। वल खिल्लु कलमाई युबदी ली जमायरू है, तस्विया है, अपने हम यहाँ पर समझेंगे ये कि अपने हम साथी से, हम बराबर वाले से कह रहा है तो इल्तिमास है। ये शायर जो है अपने साथ वालों से कह रहा है, शायर जो है साथ वालों से कह रहा, बादशाह तो कह नहीं रहा कोई, बादशाह किसी से कहे तो कहाँ जाएगा, हुक्म हो गया, सही है नहीं। ये तो शायर जो अपने साथ वालों से कह रहा है, और हम सा जब एक निद पीछे बयान नहीं, एक हम असर दूसरे हम असर से कोई बात कहे तो वहाँ क्या होगी? इल्तिमास होगी। ये चीज़ें मतौर पर पूरे शेर का पस मंज़र समझने से भी आती हैं, या पूरे उसके शेर चले आ रहे हैं तो उससे भी समझ में आती हैं ये चीज़ें। वल खिल्लु कलमाई दोस्त, अब आगे नीचे भी आ रहा है, इससे भी पता चलता है, सही है नहीं, इससे पता चलता है, दोस्त उस पानी की तरह है जो मेरे लिए उसकी सफाई के बावजूद मेरे लिए अपनी पोशीदा चीज़ों को ज़ाहिर कर देता है। दोस्त जो है उस पानी की तरह है जो मेरे लिए अपनी पोशीदा चीज़ों को सफाई के साथ साथ क्या कर देता है, वयुखफिया माल कदरे, और गदला होने के बावजूद उनको पोशीदा कर देता है। अरे जब जो है पानी जब गदला हो तो अपनी पोशीदा चीज़ों को छुपा लेता है, नहीं और साफ हो तो अपनी साफ कर लेता है। तो दोस्त जो है उस पानी की तरह है जो साफ होने के साथ अपनी पोशीदा चीज़ों को छुपा लेता है, अपनी पोशीदा चीज़ों को जाहिर कर देता है, और गदला होने के बावजूद क्या है, गदला होने के साथ उनको छुपा लेता है, अपनी पोशीदा चीज़ों को छुपा लेता है। तो ये पूरा शेर है जिसके अंदर क्या है, इल्तिमास हुआ। यहाँ तो कुछ नहीं है ऊपर में, ये ला तत्विया में वकाला ताला वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिली, तुम आपस में अपने मालों को बातिल तरीके से ना खाओ। यहाँ नहीं है और हकीकी माना पर है, सही है नहीं, यहाँ नहीं है और हकीकी है। यहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म दे रहा, आला दे रहा अदना को, ला ताकुलु फिर नहीं। अबू तय्यिब ने क्या कहा, ला तशुक्कु इला खलकिन फतुष्मितहु शकवल जरीह इलल गिरबानी वर रखमी। गिरबान कौवे और रखमाने गिद्ध भी बोलते हैं इसको, और परिंदे को मुतलकन परिंदे को बोलते हैं। ला तशुक्कु यानी तुम किसी मखलूक से शिकायत ना करो। हेलो, हाँ जी, आ गया ना, पूरा कर लेते हैं। अरे ये चालू रह गई, मैंने बंद कर दिया था, मैंने तो मारा था उसको, अरे हो गया। हाँ तो तुम जो है तो तुम मखलूक से शिकायत ना करो कि वो तुम उसको खुश करने का मौका दो। फतुष्मितहु तो तुम उसको फिर वो खुशी हो, यानी तुम मखलूक से शिकवा शिकायत ना करो, फिर वो तुम्हारे उस पर खुश करो, तुम उसे खुशी पैदा, कि कुछ लोग होते हैं अपने इसके अपने माहौल पैदा कर रहा है फिर वो खुश होते हैं बाद में, सही है नहीं, कि तो परेशान है चलो। तुम किसी ऐसी मखलूक से शिकवा शिकायत ना करो, फतुष्मिताओ कि तुम उसे खुश कर दो। शकवल जरी ही ये तो ऐसा ही है जैसे कि जख्मी आदमी का कौवे या परिंदों से शिकवा शिकायत करना। जख्मी आदमी कोई क्या करे, कौवे और परिंदों से शिकवा या गिद्ध से, गिद्ध का माना कर दे, कौवे और गिद्ध से शिकवा शिकायत करे तो क्या करेगा, हमला ही कर देगा। तो किसी मखलूक से शिकायत ना करो कि तुम उसे खुश करने का मौका दो,
یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی زخمی آدمی کا کوے اور گدھوں سے شکایت کرنا. ہاں تو یہاں پر ارشاد ہے, مطلب ارشاد ہے, وعظ و نصیحت کا یار ہے نا, حقارت نہیں ہے. وہ تو وہ ایک مثال آ گئی, تشبیہ آ گئی وہ لاسٹ میں, لیکن نہ تشکو یہ جو ہے شکوہ شکایت کرنے کے معنی میں کہ مخلوق سے. ہاں لا تطلب المجد وقنا, مجد و شرافت کو طلب مت کرو تم اور اپنے حال سے قناعت کر لو. مجد و شرافت کو طلب نہ کرو, اپنے حال پر قناعت کر لو. فمطلب المجد مجد صحابو, کیونکہ مجد و شرافت کو طلب کرنا بڑا مشکل ہے. مجد و شرافت کا حصول کیا آیا, یہ بھی وہی آ گئی تحقیر. کیا اس کے اندر مجد و شرافت کو حصول حاصل مرغ, اور کوئی تم سے بولے تم کیا پڑھنے چلے ہو, تم نہیں پڑھ سکتے, تو کیا مقصد ہے یہاں پر تمہارے, تو یہ کتاب یاد ہی نہیں ہوتی ہے. یہ نصیحت کہاں ہے یہاں پر, آگے آگے جو بتا رہا ہے نا اس سے پتہ چل رہا ہے مجد و شرافت حاصل کرنا بہت مشکل ہے, اور تم جیسے آدمی مشکل بچایا جا رہا ہے. کہاں مشکل بچایا جا رہا ہے, مجد و شرافت کو طلب نہ کرو تو مجد و شرافت کا, اور اس کو اپنے حال پر قناعت کر لو. مجد و شرافت کا طلب مشکل ہے, تو یہاں لا تطلب میں تحقیر ہوگی. لا تشکو مخلوق سے شکوہ شکایت نہ کرو کہ تم اسے خوش کرو پھر. ہاں اس کا خوش کرو کیسے, خوش کرو ارے جب مخلوق سے کوئی شکایت کرو گے کسی چیز کی, میں بہت پریشان رہتا ہوں, یہ سب اس طرح کی معاملت کرو گے, ظاہر میں تو تمہارے ہاں میں ہاں کریں گے, پھر پیچھے کیا کریں گے, وہ ہنسیں گے نہیں. ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.